वेलकम टू कम्युनिटी डिबेट। आई एम योर होस्ट हलीमा सादिया। हमेशा की तरह हम अपनी कम्युनिटी के वो नुमाया अफराद जो अपने अपने प्रोफेशन में कोई ना कोई ख़ास काम करके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उन्हें हम बुलाते हैं। आज मेरे साथ स्टूडियो में थोड़ी सी बात हम करेंगे स्पोर्ट्स के ऊपर और म्यूज़िक के ऊपर। हमारे पास दो बहुत ही नुमाया अफराद मौजूद हैं जो इन दोनों फील्ड्स के अंदर कनाडा में रहते हुए बहुत ही नुमाया खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। मेरे पास मौजूद हैं फ़ारूक सिद्दीकी साहब और फ़ारूक़ आबिद। ये दो वो नाम हैं हमारी कम्युनिटी के जिन्होंने बहुत कम अरसे में बहुत ज़्यादा काम किया है और आज हम उनसे बात करेंगे कि वो इस सारे तजर्बे से कम्युनिटी के लिए क्या महसूस करते हैं। आप दोनों हज़रात को आज मेरे इस शो में वेलकम। बहुत शुक्रिया बुलाने का। फ़ारूक सिद्दीकी साहब, आपसे बात शुरू करूंगी। स्पोर्ट्स एक बहुत ही अहम फील्ड है, ख़ास तौर पे जब हम पाकिस्तानी बैकग्राउंड से जो कम्युनिटी के लोग आते हैं, क्योंकि गर्म मौसम होता है लोग वहाँ पे बहुत आउटडोर गेम्स करते हैं, जबकि कनाडा में आते ही बहुत सर्द मौसम है और इनडोर गेम्स होती हैं। तो आप कैसे देखते हैं स्पोर्ट्स यहाँ पे? स्पोर्ट्स अच्छा है बहुत, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पाकिस्तान में तो हम सिर्फ क्रिकेट बहुत ज़्यादा, बहुत कम सॉकर और बाकी चीज़ों पे, लेकिन यहाँ पे आते हैं तो क्रिकेट जो कहते हैं ना फर्स्ट लव जो है वो तो मौजूद है। उसके अलावा भी आपको मौका मिलता है बेसबॉल देखने का, बास्केटबॉल देखने का और अमेरिकन फुटबॉल देखने का, लेकिन क्रिकेट के काफ़ी मौके हैं यहाँ पे जो लोग खेल रहे हैं। मैं भी काफ़ी पहले से यहाँ आया हूँ, काफ़ी क्रिकेट खेली मैंने यहाँ पर और अब जो है मैं क्रिकेट चैनल चला रहा हूँ, तो उसमें स्पोर्ट्स हमारे लिए बहुत अच्छा है और हम लोग जो हैं इसमें एक अच्छा तरीका है फिट रखने का अपने आप को। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, नेटवर्किंग के बहुत मौके मिलते हैं यहाँ पे और कम्युनिटी बिल्डिंग के बहुत मौके मिलते हैं। फ़ारूक़ आबिद साहब, आपकी तरफ आऊँगी। म्यूज़िक आर्ट की एक बहुत ही खूबसूरत शक्ल है, बिल्कुल, और म्यूज़िक का पाकिस्तानी बैकग्राउंड से आके कैनेडियन सिस्टम के अंदर म्यूज़िक को मर्ज करना और अपनी जगह बनाना, क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो ये पाकिस्तान एक्चुअली म्यूज़िक एक ग्लोबल सी चीज़ है, ठीक है। म्यूज़िक चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वर्ल्ड लेवल पे कहीं पर भी हो, म्यूज़िक म्यूज़िक होता है। इसकी जो एक ज़बान है जिसको आप नहीं भी जानते, आप चाइनीज़ इंसान को नहीं जानते, आप ब्राज़ीलियन को नहीं जानते, आप ब्रिटिशर को नहीं जानते, लेकिन म्यूज़िक एक ऐसी लैंग्वेज है कि अगर वो सही सुर में और सही स्केल में चल रही है तो आप लैंग्वेज नहीं भी जानते, म्यूज़िक की लैंग्वेज एक है, उसमें कोई दो लैंग्वेज नहीं है, आप फ़ौरन रिलेट कर जाते हैं। आप ये बोलेंगे जी पाकिस्तान नहीं, उस कई ऐसे लोग हैं कि वेस्टर्न म्यूज़िक में भी वो चाहते हैं कि जी मेरे अंदर तबला बज जाए, ठीक है, वो तो एशियन इंस्ट्रूमेंट है ना, साउथ एशियन इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन अब सिर्फ ये है कि कौन सी चीज़ को आप किस तरह से ले रहे हैं, उसके अंदर क्या एक्सपीरियंस है, कितना तजर्बा है, आप उसको कैसे लिंक्ड अप करते हैं उस दरिया के साथ ताकि वो बन उस दरिया के फ्लो के साथ चले और वो एक नयापन लगे। हम ग्लोबल दुनिया में रहते हैं, म्यूज़िक नो डाउट इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज बाय इटसेल्फ, लेकिन इसको फ्यूजन्स के साथ हम डिफरेंट उसमें पेश कर सकते हैं। इसी तरह स्पोर्ट्स की तरफ आऊँगी। स्पोर्ट्स भी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसलिए कि क्रिकेट हमेशा से पाकिस्तान और साउथ एशिया में खास तौर पे एक बहुत बड़ा पैशन रहा है, जंगें कहते हैं इसके ऊपर हो गई। तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो बच्चा पैदा हो रहा है वो अपने आप को क्रिकेट में कहाँ देखता है? काफ़ी स्कोप है यहाँ पे और बच्चे जो हैं एक्चुअली देखें टू बी वेरी ऑनेस्ट, बच्चा यहाँ पे जो क्रिकेट खेलना शुरू करता है तो वो उसके पेरेंट्स की ज़्यादा जो है ना वो उनको उनका शौक़ होता है कि वो करें उसको खिलाएं, तो वो खुद भी खेल रहे होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पेरेंट्स खेल रहे होते हैं, बच्चे साथ आते आते उनको शौक हो जाता है, लेकिन अभी रिसेंटली काफ़ी अकेडमीज़ बनी हैं यहाँ पर बच्चों के लिए और बच्चों को नज़र आ रहा है। फिर गवर्नमेंट में और कैनेडा में काफ़ी, क्योंकि चमजे की बात है कि जो सबसे पहला गेम हुआ था क्रिकेट का वो कनाडा और यूएसए के दरमियान हुआ था जो कि 1800 में समटाइम, तो उस वजह से यहाँ पे काफ़ी, और कनाडा ने वर्ल्ड कप्स भी खेले, चार तकरीबन वर्ल्ड कप खेले, तो उसमें एक एकेडमी बनी है और गवर्नमेंट के अंदर काफ़ी जो है वो सहूलतें हैं, स्कूल्स में हो रही है क्रिकेट काफ़ी, तो ग्रेड मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में और अब कॉलेज में भी क्रिकेट हो रही है, तो इस वजह से बच्चे जो हैं बहुत इंटरेस्टेड हैं और आगे आ रहे हैं क्रिकेट में। फ़ारूक़ आबिद साहब, क्योंकि हम पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए ख़ास तौर पे बात कर रहे हैं, तो म्यूज़िक का स्कोप कम्युनिटी के हिसाब से आप क्या देखते हैं? क्या यंगस्टर्स अपने आप को जोड़ रहे हैं? क्या वो इस फ्यूजन की दुनिया के अंदर
अब मेक सेंस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं मेरे ख्याल से. यंगस्टर्स और जितने भी, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मैं, मुझे तो प्रॉब्लम नहीं हुई जब भी मैंने यहाँ पर काम किया लोगों के साथ, नए यंगस्टर्स के साथ. उनको कोई प्रोफेशनल रास्ता नहीं मिला था पहले कभी मेरे ख्याल से, ठीक है ना, जिस पे वो अपने आप को एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. और उनको उनको पता नहीं होता कि उनके अंदर क्या टैलेंट होता है. चाहे आप कितनी भी अच्छी आवाज़ हो आपकी, अगर आप उसके पीछे एक चीज़ भी गलत चल रही हो या वो कैप्चर ठीक नहीं हुई आवाज़, उसके म्यूज़िक ठीक नहीं हुआ. और आपको देखना चाहिए कि हर इंसान के पास खुदा ने एक आवाज़ दी होती है, उसको कार्व कैसे आपने करना है. मुझे लगता है कि बहुत स्कोप है, बहुत टैलेंट है. और हर इंसान जिस, मैंने तो जिस, जब जिसके साथ भी काम किया यहाँ पर, यहाँ पर सिंगर है फैसल रज़ा हो गए, डॉक्टर साहब हो गए, उनको नई तरह से लेकर आया और उन्होंने बहुत खूबसूरत परफॉर्म किया है. और मेरे ख्याल से और बहुत सारे सिंगर्स हैं जिनकी वो प्यास थी जो बुझी नहीं है, वो बुझ रही है. आप उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं? तो फरुख साहब, आपकी क्या खास एक हर इंसान की एक खास दिलचस्पी का पॉइंट होता है, वो उसका पैशन होता है जो उसको उस प्रोफेशन में ड्राइव करता है. तो आपका क्या ऐसा पैशन था, क्या एक खास आउटस्टैंडिंग चीज़ थी जिसको आपने आगे आके पॉलिश करके अपने इसके अंदर एज अ कंट्रीब्यूशन टू द कम्युनिटी किया? देखिए, जब मैं यहाँ पे था, मैं आईटी फील्ड काफ़ी अर्से मैंने काम किया, उसके बाद मैंने ये देखा कि स्पोर्ट्स यहाँ पे सारे हो रहे हैं. क्रिकेट को कोई बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था यहाँ पे, और मैचेस होते हैं यहाँ पे, आप कैनेडियन नेशनल टीम है, वर्ल्ड कप भी खेली हुई है, ओडीआई स्टेटस भी था उनके पास. लेकिन इतना ना, जैसे इंडिया में, पाकिस्तान में सचिन तेंदुलकर जा रहा है तो ट्रैफिक जाम हो जाता है, अफरीदी जा रहा है ट्रैफिक जाम होता है. हमारे यहाँ पे जो प्लेयर्स हैं वो जा रहे होते हैं, यानी कि लोगों को पता नहीं होता कि हैं कौन ये, ठीक है ना. अगर कोई मेन नेशनल टीम का भी बंदा पूछे तो वो कहते हैं यार हमें नहीं पता कि ये कौन है. तो उसमें मुझे ये लगा कि खेली मैंने जितनी भी क्रिकेट, और हम जब क्रिकेट खेलते थे तो जितनी भी हमने खेली क्रिकेट, कोई एक्सपोजर नहीं था. तो मैंने प्रोडक्शन फील्ड में जब मैं आया नया नया, तो मैंने देखा कि यार इसको स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाहिए थोड़ा सा. और वही कोशिश की हमने क्रिकेट को जो है एक्सपोजर देने की. और अब ऊपर अल्लाह का शुक्र है कि हम इसमें थोड़ा थोड़ा कामयाब हो रहे हैं. अब क्लब लेवल के ऊपर, लीग लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे और नेशनल लेवल पे भी उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं. और मीडिया की प्रेजेंस जो है ज़रूरी भी बहुत है, और वो उसको जो है वो इम्पोर्टेंस भी दे रहे हैं हम यहाँ पर. म्यूज़िक की तरफ वापस आते हैं. अब बहुत नेचुरल एक्सप्रेशन होता है और हर कोई इससे खुश होता है, लेकिन कोई भी चीज़ जब तक लर्न ना की जाए प्रॉपर तरीके से, क्योंकि अब मैं यहाँ देखती हूँ कि लोग मास्टर्स करते हैं, पीएचडी करते हैं और फिर उसके बाद वो म्यूज़िक के लिंग्विस्टिक के अंदर डीप डेप्थ में चले जाते हैं, जबकि तमाम सहूलियात मौजूद हैं. तो ऐसा क्यों है कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो भी आता है वो इमेच्योर तरीके से चीज़ों को करता है? मुझे, मैं शायद बहुत हैवी वर्ड यूज़ कर रही हूँ, मैच्योर मुझे ये नहीं करना चाहिए, लेकिन उसमें क्या ऐसी कमी रह जाती है जो वो कम्पीट नहीं कर पाता? देखिए, थ्योरी में और प्रैक्टिकल में बड़ा फ़र्क है. कई ऐसे लोग हैं आप, वो आपसे बात करेंगे कि उनको थ्योरी सब पता है, पूरी आपको राग की आरोही अमरोही बताएंगे सारे रागों को, जब उनको प्रैक्टिकल किया जाए वो नहीं करते. देखिए, उसका सिर्फ ये होता है कि वो जो आपने एक बात की पैशन, मेरे ख्याल से जब तक आपके अंदर वो आग नहीं है किसी भी काम के अंदर, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे क्रिकेट हो, कोई भी चीज़ हो. जैसे ये फरुख भाई बता रहे हैं क्रिकेट, तो मेरे अपने बहनोई हैं वो भी क्रिकेट खेलते हैं, हारून रशीद जी, जावेद मियादाद. मेरे ख्याल से अखाड़ा बिल्डिंग एक जगह है वहाँ पर कराची के अंदर, CMS स्कूल के साथ में, वहाँ से उन्होंने, मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे मामू इंग्लैंड में होते थे, तो जब वो जावेद मियादाद और हारून भाई ने ये चीज़ शुरू की थी तो उसके पास किट बैग भी नहीं था. वो कराची जिम खाना से खेलता था जावेद, ये लोग सारे वहीं पे होते थे, तो उन्होंने उनको किट बैग दे दी. ये बात करो, मैं 70s की बात करो, ठीक है ना. तो कहने का सिर्फ ये मकसद है कि जब तक आपके अंदर वो आग है, मैं, आप दुनिया के उसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में डाल दें बंदे को, अगर उसके अंदर वो आग नहीं है वो कभी भी नहीं बन सकता. दुनिया में जितने बड़े बड़े सिंगर्स जो पैदा हुए हैं वो बहुत ही, उनके पास कुछ नहीं था, ना पैसे थे, ना उनके पास, उनके जो आंसू थे वो ही उनको बता सिखाते थे कि तलफ़ुज़ क्या होता है, वर्ड्स क्या होते हैं, शायरी क्या होती है. सिंगिंग सिर्फ ये नहीं कि आपने मैकेनिकली एक चीज़ गा दी और आप, अगर आपकी शक्ल भी अच्छी है तो आप बोलें जी मैं आके दो डांस करके, दो स्टेप करके आप अपनी, नहीं, उसके पीछे पूरी एक एक एक, एक ज़िंदगी, एक एक रवानी है. जब तक आप वो उस मूड में नहीं आएंगे
जब तक आप समझेंगे नहीं, आपने सुर कर लिया फिर आपको पता लगेगा मौसम क्या होता है, रिलेट क्या होती है, शायरी क्या होती है, 30 साल में क्या शायरी चल रही है, हर साल 10 साल में तो म्यूज़िक का ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो जो 10 साल में चल, उससे पहले 10 साल में क्या हुआ, तो वो भी पता होना चाहिए आपको, आपको पूरी एक लेगेसी का पता होना चाहिए। जब तक वो आप पता नहीं कर सकते तभी आप जाके आप एक लेवल पे नहीं। अब देखें इंडियन आइडल में एक जो लड़का जीता है वो गरीब बच्चा था, उसको उसके पास कुछ भी नहीं था, आप उसकी स्टोरी सुने तो आपको 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 आपके माँ जाके चावल मांगती थी बेचारी, ठीक है, शायद देखा भी नहीं था, चूल्हे भी नहीं थे, लेकिन अल्लाह ने उसके अंदर एक गुण था, वो करता, उसने प्रैक्टिस करके नुसरत फतेह अली खान को पी गया, उसके सारे रागों को उसने पकड़ा, उसके सिर्फ उसकी वो आग थी, तपिश थी, जिससे वो अब वो स्टार बन गया। इस वक्त दुनिया में बहुत बड़ी बहस है कि आपके अंदर इन सिंक करती है नेचर तो फिर प्रोडक्टिविटी होती है, तो मेरा ख्याल है म्यूज़िक भी इन सिंक होने की ही कोई प्रोडक्टिव फॉर्म होती है जो नेचुरल आती है और आप पॉलिश हो जाते हैं जब आप किसी एकेडमी में जाते हैं। स्पोर्ट्स लहू गर्म रखने का है एक बहाना, पलट के झपटना, झपट कर लपकना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। इससे पहले कि हम मज़ीद बात करें, थोड़ा सा काम स्पोर्ट्स के ऊपर फरूख सदीकी साहब का देखते हैं। इट्स ग्रेट टू बी वर्किंग विद यू एंड सो लेट्स टॉक अबाउट व्हेन दिस लीग स्टार्टेड। Yeah, so journey started back in 2014. Oh, yeah. So it was a bunch of passionate cricketers. We started together. Let's have a league. There's no league in Mississauga Cricket League. Everybody has to go outside, play there. So there was a good opportunity for us to start a league there. And in 2014, we started it with just 5 teams. And I kid you not, but we were just still debating, should we have a league, should we not have a league, and it is March and April. So you can imagine, usually the season starts in May, and yeah, we are talking, should we have it, and then, let's do it. So in April, we started, let's have it, and then still within 1 month, we got 5 teams. So we started with 5 teams in the T20 at Courtney Park Field, Mavis and 4-1 area, and that's where the journey started with about 70 players in it. 70. So ek hota hai ki na, you just started, ek hota hai, you started with a bang. Yes. Right, and you started with a bang, and if you just even look at like for last this many years, right, you are the fastest growing league, cricket league in North America, Canada. How's that journey? Yeah, it's amazing. In 2018, November 2018 in Sydney, Australia, I have with me here Brian, and I have with me David, and I have with me Roy, who I'm gonna get back to in a second here. But oh my God! I mean, what journey this has been from selection. Welcome back to the studio. हम बात कर रहे थे Pakistani community की contribution towards Canadian sports, और उसके साथ साथ हम बात कर रहे थे music का sensibilities और उसके साथ साथ उस काम के ऊपर। तो आपकी तरफ वापस आती हूँ फरूख सदीकी साहब, आप ये बताइए कि जब government इतनी सहूलत देती है स्पोर्ट्स के लिए, ख़ास तरह के बच्चे होते हैं जो 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 जिस्मानी लिहाज से भी, ज़हनी तौर पे भी इसके साथ अटैच्ड होते हैं, तो क्या हम अभी तक हमारी कम्युनिटी में से कोई बहुत नामवर शख्सियात आगे आ सकी हैं? बिल्कुल, हमारे यहाँ जो बड़े नाम इन्हें कहेंगे क्रिकेट के ख़ास तौर पे, अगर हम शुरू करें तो सबसे पहला नाम आता है रिजवान चीमा का। रिजवान चीमा कैनेडियन टीम के कैप्टन भी रहे हैं और ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स, और बड़े धुआंधार किस्म के, हम उन्हें बूम बूम चीमा भी कहते हैं या कैनेडियन बूम बूम कहते हैं उनको। उसके अलावा उमर भट्टी रहे हैं, उमर भट्टी भी कैप्टन रहे हैं कैनेडियन टीम के। उसके अलावा सिसल परवेज़ बहुत अच्छे पाकिस्तानी कम्यूनिटी से रहे हैं। उसके अलावा अरसलान खान बड़े अच्छे प्लेयर रहे यहाँ से। लड़कियों में हमारी बहुत जो एक्चुअली टीम है कैनेडियन की, उसमें काफ़ी सारी पाकिस्तानी बच्चियाँ हैं। मरियम खोकर है, मारुख है उसमें, एक बड़ी अच्छी पाकिस्तानी क्रिश्चियन थी जो इंटरनेशनल लेवल पे स्केटिंग में उन्होंने गोल्ड मेडल कनाडा के लिए लिया था। इट वाज अ बिग अचीवमेंट। एक जगह पे हम कम्युनिटी के उसमें गए तो वहाँ वो इंट्रोड्यूस उन्होंने किया, तो उससे मुझे ये ख्याल आया, सॉरी मैंने आपकी उसके अंदर किया। क्या लोग सीरियसली इसको एज अ प्रोफेशन देखते हैं, डिवोट करना, क्योंकि कैनेडियन सिस्टम में इतनी सहूलियात हैं कि एज अ प्रोफेशनल प्लेयर किसी भी फील्ड में, क्या पाकिस्तानी कम्युनिटी ओपन है इसकी तरफ? देखिए, लोग ओपन तो हैं लेकिन इतनी अपॉर्चुनिटीज़ अभी नहीं है।
डिबेट चल रही है, हमने भी काफ़ी कोशिश की कि जी स्कूल्स जो हैं वो सीट्स निकालें उसमें, ताकि एटलीस्ट जैसा होता है सॉकर में लोग बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, पेरेंट्स लेके जा रहे हैं बच्चों को, लेकिन एंड ऑफ द डे फिर उनको ये होता है कि दे गेट स्कॉलरशिप एंड अ सीट इन अ यूनिवर्सिटी। क्रिकेट में अभी ये नहीं है, लेकिन अब ये हुआ है कि अब आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ है, क्रिकेट में कॉलेज लेवल के ऊपर टीमें बननी शुरू हो गई हैं, तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। जब सेकेंड स्टेप ये होगा कि उस फिर उन्हीं जब टीमें होंगी वहाँ पर तो उनको ज़रूरत होगी अच्छे प्लेयर्स की, तो उसमें देखते हैं। कॉर्पोरेट क्रिकेट थोड़ी शुरू हुई है, यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी हैं, उन्होंने ही शुरू की है, लड़के हैं, देखें हाउ इट गोज़, क्योंकि देखें सारी चीज़ें आती हैं पैसे के ऊपर। जब पैसा लड़के की जेब में जाएगा या लड़की की जेब में जाएगा या कोच की जेब में जाएगा तो वो आगे फ्लरिश करेगा, उम्मीद बहुत है। क्योंकि उसमें यह है कि जब जो अंडर 19 की टीम है उसमें मोस्टली यहीं के बॉर्न बच्चे हैं, वो बच्चे नहीं हैं जो अभी पाकिस्तान से या इंडिया से या श्रीलंका वेस्ट इंडीज़ से आए, तो उम्मीद बहुत है। लेकिन आई वुड स्टिल से कि इट्स अ ड्रीम, रियलिटी अभी नहीं है कि कोई तमाम चीज़ें छोड़कर सिर्फ क्रिकेट खेले और पूरी ज़िंदगी गुजारे। ऐसा तो होता भी नहीं, ऐसा तो बैक होम्स में भी नहीं हुआ कि आप छोड़ दें, लेकिन ये होता है कि आप एज अ प्रोफेशन जब आप एक सब्जेक्ट, जैसे आप किसी खास सब्जेक्ट में स्पेशलाइज करते हैं तो आप बाकी तालीम भी जारी रखते हैं, लेकिन स्पेशलिटी आपकी आप उस पर ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं। आजकल थोड़ा चेंज हो गया है, बहुत छोटी उम्र से लोग खेलने आ जाते हैं और ख़ासतौर पर साउथ एशियन कंट्रीज़ में पैसा इतना ज़्यादा है कि जो बच्चे अंडर 19 वगैरह के उन्हें टाइम नहीं मिलता कि वो, क्योंकि बहुत कंपेटिटिव क्रिकेट है, प्रोफेशनल लीग्स बहुत आ गई हैं, अच्छे पैसे होते हैं, तो जिनके पेरेंट्स भी कहते हैं यहाँ चलो ठीक है। लेकिन उसमें अच्छी बात ये देखी मैंने कि जो अच्छे समझदार बच्चे होते हैं या जिनको अच्छी गाइडेंस मिलती है वो अपनी एजुकेशन जारी रखते हैं उसके साथ साथ, जिन्होंने नहीं ज़्यादा एजुकेशन ली फिर उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई बाद में जाके। तो इट्स मेरा भी ये मैसेज है कि जो भी बच्चे क्रिकेट खेलें, सॉकर खेलें, आइस हॉकी खेलें, लेकिन अपनी जो एजुकेशन है उसको एटलीस्ट जो है वो एक सर्टन लेवल तक उसको जारी रखें, क्योंकि एजुकेशन हमेशा फ़ायदा देती है। अब फरूख आबिद साहब आपकी तरफ आती हूँ, ख़ास तौर पे जब हम म्यूज़िक के अंदर कंट्रीब्यूशन का बात करते हैं तो पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से नाजिया जुहेब हसन का नाम इंटरनेशनल फेम के ऊपर है और उन्होंने जो ट्विस्ट दे के एक नई बिल्कुल डिफरेंट तरफ म्यूज़िक को ले गए, ये उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, हिस्टोरिकल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ म्यूज़िक। तो आप क्या देखते हैं कि इस वक्त जो आर्टिस्ट सेटल हो रहा है और जो यहाँ पे रह रहा है उसकी क्या मुश्किल, वो क्यों इतना प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहा, उसकी क्रिएटिविटी को क्या चीज़ है जो नर्चर नहीं कर रही? देखिए नाजिया हुसैन जुहेब का आपने बात, मैं एक प्रोग्राम होता था सुहेल भाई का हम ही हम कराची के अंदर, उसमें मैं भी प्ले करता था, ठीक है, गिटार प्ले करता था उस प्रोग्राम के अंदर। तो नाजिया हसन उस प्रोग्राम में होते थे, ज़ेबा अफशां, ये जाफरी, ये सारे उस प्रोग्राम के अंदर होते थे, उनकी वहाँ से ट्रेनिंग हुई उन दोनों की, ठीक है। फिर उस उन हर चीज़ के पीछे एक उस्ताद होता है, एक रहनुमा होता है, वो गए लंदन, विद्दून के जो गाने उनके पीछे थे वो पूरा एक तजर्बा था म्यूज़िक का, जिस गाने पे वो उनका गाना सीडी बनी गाने, हाँ ये आप जैसा कोई ना बना, ये इंग्लैंड में बनी थे। तो जब तक कोई भी शख्स का एक जो तजर्बा था, उस शख्स का बहुत तजर्बा था अपने इरा के अंदर, सॉरी मैं आपकी यहाँ बात काट रही हूँ, तजर्बा तो था लेकिन हमारा कनेडियन स्कूल सिस्टम ऐसा है, अब मेरे बच्चे अपने भी गए हैं, जिसमें आप इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं, बच्चे छोटे छोटे उससे ही छोटी उम्र से ही अपना एक्सप्रेस क्रिएटिविटी का, मेरी बेटी यूक्लीली बहुत अच्छी बजाती है, वो बहुत अच्छे राइट सॉन्ग राइटिंग करती है, ये चीज़ नर्चर की जाती है जिसको आगे बढ़ाया जाता है कि आप उसमें जाना चाहते हैं या नहीं। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा सिस्टम ये है कि यहाँ पर म्यूज़िक की नोटेशन सिखाते हैं, ठीक है सीख, और फिर वो क्या होता है कि वो उनको बस म्यूज़िक की नोटेशन मिलेगी तो बजा सकेंगे, जैसे म्यूज़िक की नोटेशन नहीं मिली, अगर एक पीस उनको बताया गया, जैसे हमारे साउथ एशिया के अंदर मोस्टली लोग वहाँ पे म्यूज़िक की रीडिंग नहीं करते हैं, वो बाय हार्ट उनको इतनी उनकी वोकैबुलरी होती है कि बड़ा से बड़ा पीस पाकिस्तान के अंदर आप उठा के देंगे, इंडिया के अंदर मोस्टली जो स्टूडियो म्यूजिशियंस हैं उनको वहीं दिया जाता है, वहीं याद करते हैं और 10 दफ़ा स्केल चेंज हो जाए तो वो उसको ही बजा जाते हैं, लेकिन जो जब लिखा हुआ नहीं होगा ये लोग नहीं बजा सकते, है ना ये पॉइंट। मैं ये नहीं कहता, लिखना भी बहुत ज़रूरी होता है कि आपको म्यूज़िक की रीडिंग भी आनी चाहिए, तो ये एक प्रॉब्लम है। फिर तीसरे कि आपका जो हेड ऑफ जो उस्ताद होता है, जो जो आपका आपने आप
आपकी बड़ी अच्छी आवाज़ है, अगर आप रिकॉर्ड ही ठीक नहीं होता, आपके पीछे म्यूज़िक ठीक नहीं है, या आपका जो म्यूज़िक डायरेक्टर पीछे जो नहीं है, जो आपको लेकर चलता है, आपको एक्सप्रेशन नहीं बताता, अब एक बच्चा है उसको क्या पता तलफ़ुस क्या होता है, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, वो तो विद द टाइम आता है, उसको जब तक आप बताएंगे नहीं, आप अपने बच्चों को नहीं बताएंगे कि ये बांसुरी का एक नोट इसको किस तरह से बजाना है, ताकि वो कैसे उसके अंदर जाके, अब वुडन बांसुरी तो यहाँ पर नहीं बजाता कोई, बहुत कम लोग बजाते हैं, है ही नहीं यहाँ पे फ्लूट, फ्लूट का देखिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपको मैं फ्लूट में एग्जांपल दे रहा हूँ कि हज़ारों ऐसी चीज़ें हैं, जब तक आपको पीछे कोई दीवार नहीं खड़ी होती ना, तो वो आपको रास्ता नहीं बताते। मेरा जो स्पेसिफिक सवाल करने का खास तौर पे आप दोनों हजरात से है वो ये है कि क्या हमारी कम्युनिटी अभी भी ओपन नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ों के लिए पैशन आपको तब आता है जब आप चीज़ों के लिए, क्रिएटिविटी तब होती है जब आप मेंटली सूद या आप किसी चीज के बारे में क्लियर होते हैं कि ये चीज मेरे लिए, मैं इसको प्रोड्यूस, मैं इसमें काम कर सकता हूँ और ये बहुत बड़ी बात है। अगर मैं म्यूजिक में ऐसा नहीं है, म्यूजिक में ऐसा नहीं है, म्यूजिक के अंदर एक म्यूजिक और क्रिएटिविटी के जितने जो डिफरेंट मूड्स हैं, अब शायर ऐसे थोड़ी बन जाता है, उसका अपना एक, उसको बचपन से जो पैदा ही होता है ना, तो उस मोड में पैदा होता है, वो ढूंढता है, वो जगह जाता है, जो जो फकीर होता है वो तन्हाई जगह ढूंढता है, उसके मिजाज के अंदर होता है। मुझे म्यूजिक तो मैं ढूंढूंगा कि आप मुझे भीड़ में भी ले जाएंगे, मैं अकेला, मैं भीड़ में भी अकेला होऊंगा, मैं ढूंढूंगा कि अच्छा ये बंदा कौन सा बंदा है, कि यार ये अच्छा ये फलाना। मैंने अभी लोगों को डिस्कवर किया, मैं एक चर्च पे गया तो मैं सिर्फ आवाज़ सुन रहा था ऊपर, मैं करते 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 उस जगह पहुंच गया, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, पता लगा ऊपर के किसी कमरे में एक बूढ़ा बाबा बजा रहा था, तो आदमी वहाँ पहुँच जाता है। म्यूजिक इज नॉट 2+2, यू हैव टू, ये आपके अंदर की एक आग होती है जो कि आपको फिर लेजेंड्स बनाती है, इसलिए आप दुनिया में 100 लोगों की आप सेंचुरी देख लें, जो जो लेजेंड्स होते हैं ना वो बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है। फरुख साहब, आप क्या कहना चाहेंगे कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है वो इनबॉर्न होता है, ट्रेनिंग का कितना हिस्सा होता है, और ओपननेस ऑफ द सराउंडिंग दे आर इन, उसका कितना किरदार होता है? तीनों चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन क्रिकेट में डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज़ है, डिसिप्लिन और फिर उसके बाद ट्रेनिंग, ठीक है। और नेचुरल टैलेंट जब एक सर्टन लेवल पे आता है तो पता चलता है कि नेचुरल टैलेंट है या नहीं है, क्योंकि देखिए अर्ली स्टेज पे आपको बेसिक्स होती हैं, सब बेसिक कर लेते हैं, लेकिन कोई बच्चा जो होता है वो अच्छा खेल रहा होता है, कोई बॉल अच्छी कर रहा होता है, किसी का नेचुरल स्विंग होता है या हाथ सही पड़ रहा होता है, तो एक सर्टन लेवल पे आके आपको पता चलता है। तो वही बात है फरूख भाई वाली कि आग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आग इसमें भी बड़ी ज़रूरी है, अगर आपके अंदर नहीं है तो वो आप नहीं कर पाएंगे। फरूख भाई, मैंने देखा जावेद मियां दाद को जी, ठीक है जी जी बिल्कुल, वो कराची जिम खाना के अंदर, या अरुण भाई, ये लोग के जितने भाई है, सुबह से निकलते थे बिल्कुल बिल्कुल, और कोई ऐसी गली नहीं है जिन पर उन्होंने नहीं, जो रोडों पर बजाया उन्होंने क्रिकेट खेली, और जब भी उस वक्त भी ये शख्स जब जाता था तो सबसे ज्यादा रन करता था जावेद और ये हारून रशीद। अब आप ये देखिए, जब हम बिगर डायस्पोरा को देखते हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज को देखते हैं, तो म्यूजिक एकेडमी, डांस एकेडमीज बहुत ज्यादा हैं यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे 2-3 साल के बच्चे मैंने देखा है साउथ एशियन कम्युनिटी के, जो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा ट्रेनिंग देते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो फिर क्या पाकिस्तानी कम्युनिटी खास तौर पे अपने, हमारा क्या फ्यूचर है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री का, हमारे म्यूजिक का, हमारा क्या फ्यूचर है? फ्यूचर तो आपने अपना खुद बनाना है ना। अब जब आतिफ असलम है, ठीक है, इसने सबसे पहले गाना गया, आवाज़ थी, ठीक है, तो वो तो कहीं से भी नहीं, वो गाना क्या बोलते, ट्रेंड सिंगर नहीं था। जुनेद जमशेद कभी से ट्रेंड सिंगर नहीं था, ठीक है, वो खुद कहता था मैंने हज़ारों जिंगल्स उसके साथ किए जुनेद के साथ, ठीक है ना। तो वो, लेकिन आग ऐसी आग की आपकी सोच है, पैशन ऐसा पैशन है कि वो नहीं देखता कि बारिश हो रही है, बरसात हो रही है, फलाना हो रहा है, वो अपनी वो जो है ना, जो उसकी जो मेहनत है उसको वो जारी रखता है हमेशा। अब अभी फ़ोन करो, पेजर होता था, मैं 10 मिनट में उसको मैं पेज करता था, जुनेद जिंगल गया आ जाओ, 10 मिनट में पहुँचा होता था। आप बताइए, आप पाकिस्तानी कम्युनिटी में खास तौर पे इस वक्त क्या देखते हैं, कहाँ देखते हैं अपने आप को, और क्या फ्यूचर देखते हैं, इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, और क्या डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, और कहाँ पे काम होने की ज़रूरत है? देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ तो हमेशा रहती हैं और अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, थोड़ी सी मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपको पता है खासतौर पर कनाडा में या नॉर्थ अमेरिका में ये कि पेरेंट्स का बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है,
कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करने के लिए पेरेंट्स का बहुत है, क्योंकि पेरेंट को लाना है, पेरेंट को ले जाना है, पेरेंट को पैसे देने, बच्चा जब तक 12 14 16 साल का नहीं होता वो काम नहीं शुरू करता, वो अपने पैसे नहीं कर सकता। फिर हमारी कम्युनिटी में एक छोटा सा सेटबैक ये है कि हम अपने बच्चों को फ़ौरन काम पर नहीं लगाते कि चले उन्होंने मेहनत की है और अच्छे प्रोफेशंस में होते हैं। तो एक ये तो पेरेंट्स का बहुत ज़रूरी है, अगर पेरेंट किसी चीज़ में बिज़ी हो गए और वो बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे तो वो एक ये एक ऑब्स्टिकल है। अगर पेरेंट्स कुछ हैं, जैसे मैंने बाकी कम्युनिटीज़ में देखा है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं अपने बच्चों को, बहुत टाइम लगते हैं, उनके बच्चे दो दो तीन तीन एक्टिविटीज़ में होते हैं और वो बड़े हंसी खुशी और समटाइम बहुत हंसी खुशी नहीं भी, लेकिन वो करते हैं तमाम चीज़ों को। तो हमारे यहाँ भी सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो कर रहे हैं तो उसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन वही वाली बात है कि बच्चा स्कूल में खेलता है तो तफरी में खेलता है, कॉलेज में जाके वो भी तफरी में खेल रहा है। आगे कोई ऐसा रोड मैप नहीं है यहाँ पे कि जिसमें एक बच्चे इसको एज अ प्रोफेशन जो है, एज अ हॉबी पैशन ठीक है, एज अ प्रोफेशन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन ये कि जब तक अकेडमीज भी बहुत हैं यहाँ पे, जैसे म्यूज़िक की अकेडमी है, क्रिकेट की अकेडमी है, बहुत जूनियर लेवल पे भी ऊपर भी खिलाते हैं, लेकिन ये कि हाँ अगर आपको एंड ऑफ द रोड नज़र ना आ रहा हो तो थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम होती है। तो लेट्स सी, देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट क्या होता है। लेकिन फिर भी ये कि जितना क्रिकेट पहले हम समझ रहे कि ग्रो नहीं करेगा, फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट्स है यहाँ पे, और उम्मीद करते हैं कि जी आने वाले टाइम, क्योंकि हम जब आए थे तो उस वक्त बिल्कुल नहीं था, हम उस वक्त भी पैसे देकर खेलते थे। अब लेकिन हो गया कि बहुत सारे क्लब्स हैं जो अच्छे बच्चे खेल रहे हैं, अच्छे लड़के खेल रहे हैं, लड़कियाँ खेल रही हैं, उन्हें पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कॉर्पोरेट में भी काफ़ी लोग आए, और फिर ये कि एक तो हार्ड बॉल की क्रिकेट होती है जो कि दूसरे टेप बॉल क्रिकेट है जो पाकिस्तान से शुरू हुई है, वो भी बहुत खेली जाती है यहाँ पे, वो अच्छा पास टाइम होता है, फन होता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव होता है, एक्सरसाइज अच्छी होती है, उसमें भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, उसमें भी थोड़ी सी प्रोफेशनल क्रिकेट आ रही है। हाँ, ऐसी नहीं है कि जी आप घर चला लेंगे अपना उसको खेल कर, उसमें भी टाइम लगेगा। फरुख आबिद आपसे सवाल करूँगी, क्या आर्टिस्ट म्यूज़िक के ऊपर घर चला सकता है, रह सकता है, कोई फ्यूचर है यहाँ? क्यों नहीं चला सकता, मैं कैसे, बिल्कुल चला सकता है, प्रोफेशन के बिल्कुल चला सकता है, बिल्कुल चला सकता है, अगर वो उसकी उसने प्रॉपर तरीके से उसके अंदर फीलिंग्स होगी, वो करना चाहेगा। दुनिया में करते हैं, हमने किया शुरू में, मैंने जब म्यूज़िक किया मुझे शुरू में लगा कि शायद अंधेरा नज़र आ रहा है, लेकिन हमेशा से लाइट है। जितनी आप मेहनत करेंगे, जितनी आपका एक अच्छा उस्ताद होना बहुत ज़रूरी है, आपका एक रहबर होना बहुत ज़रूरी है कि आप फॉलो किसको कर रहे हैं। जस्ट ये देखें कि कौन सा बंदा एक डिलीवरेंस दे रहा है, उसके पीछे चले जाएं, आपको रास्ता मिल जाएगा, मेरे ख्याल से ये। अगर आप इसे बोलेंगे नहीं हो सकता, नहीं तो कि कहानी तो किसी भी चीज़, इसके अंदर आप उसके लिए नहीं बने हुए हो, जिसके जहन में ये ख्याल है कि यार पता नहीं हो सकता है, फिर आप नहीं बने हुए, छोड़ दो, फिर आप जिस चीज़ के लिए उसको खोजिए, आप उस चीज़ को। कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क बहुत ज़रूरी है म्यूज़िक आर्ट एंड कल्चर का एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, और एक बहुत ही अहम संगे मील होता है आपके कल्चर को डिफ़ाइन करने के लिए। इंटरनेशनल ग्लोबली हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं बियॉन्ड बाउंड्रीज, स्पोर्ट्स एंड म्यूज़िक आर बियॉन्ड बाउंड्रीज। इस सिलसिले में चलिए देखते हैं फरुख आबिद साहब का थोड़ा सा काम। Welcome to Tech Studio Season 7. So this time I'm doing four songs in that. One is about, you know, it's a folk song. And another is a Spanish song. And third song is a Sufi song. Fourth song is my total, you know, again I go back in 70s. Hey.
see that I've done justice or not. That you're gonna decide. वेलकम बैक. आई होप आपने इनके काम को देखा होगा और आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं कनाडा में रहते हुए और कितना अच्छा म्यूज़िक के अंदर कंट्रीब्यूशन है. स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, ये सब वो एक्टिविटीज़ हैं जो कि हेल्थी एक्टिविटीज़ हैं. हेल्थी माइंड्स के साथ रहना और हेल्थी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज्ड करना अपने आप को, अपने बच्चों को, हेल्थी सोसाइटी को आगे से नर्चर करता है. अपने कम्युनिटी के साथ जुड़े रहिए, अपने मसाइल देखिए, बढ़ती हुई नीड्स के साथ बढ़ती हुई अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कवर कीजिए. स्पोर्ट्स बहुत अच्छा तरीका है हमारे यहाँ के मौसम में रहने के लिए, हेल्थी एक्सप्रेशन के लिए, खासतौर पर बढ़ते हुए बच्चों को स्पोर्ट्स में डालना बहुत अच्छा है. म्यूज़िक एस्थेटिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है और उसके साथ साथ आपको पीसफुल पैसिफाई करने के लिए बहुत ज़रूरी है. कम्युनिटी के मसाइल लेके आपके पास हाजिर होते रहेंगे. हमारे साथ जुड़ते रहिए और आज का ये शो देखने का बहुत शुक्रिया.